बैठमा क्षेत्र के लोगों के वाहनों के टोल टैक्स में छूट दिलाने के लिए सांसद शंकर लालवानी इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित मेठवाड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचे। उनके साथ पूर्व विधायक मनोज पटेल भी मौजूद थे। क्षेत्रीय लोगों की मांग थी कि सांसद लालवानी टोल टैक्स में आसपास के लोगों को राहत दिलवाए, लेकिन IVRCL कंपनी के अधिकारियों ने नियमों का हवाला देकर मांगों से पल्ला झाड़ लिया। अधिकारियों द्वारा जब जनप्रतिनिधियों की बात नहीं मानी गई तो पूर्व विधायक मनोज पटेल ने विरोध जताया। उन्होंने टोल टैक्स कंपनी अधिकारियों को लताड़ते हुए कहा कि हम नेशनल हाईवे के समानांतर PWD की मदद से हनुमान मंदिर के पीछे से नई सड़क बनवा लेंगे। अधिकारियों के नहीं मानने पर पटेल ने तत्काल PWD के अधिकारियों को एस्टिमेट बनाने को कहा। आपको बता दें कि पहले भी कई बार इसी मांग को लेकर धरना और प्रदर्शन हो चुके हैं। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। तो जो एक्चुअली रूल्स है ऑलरेडी कहने चाहिए था, उसी हिसाब से चला रहे। दूसरा एक्स्ट्रा या कुछ ज़्यादा हमने किसी से नहीं ले रहा, यही बताया। हमने बोला इसका जो ग्रामीण क्षेत्र का है 20 किलोमीटर का रेडियस में, उसको पूरा फ्री में छोड़ने के लिए बात की थी, लेकिन वो तो मुमकिन नहीं है सर। अभी NHAI का रूल का हिसाब से है, नेशनल हाईवे का, वो तो पास ले सकता है मैक्सिमम, हमने पास तो दे ही रहा है सब लोग। सर सांसद जी की क्या क्या डिमांड थी? वही 20 किलोमीटर रेडियस का जो है ग्रामीण क्षेत्र का, उसका सबका फ्री में छोड़ दो, हाँ। बिना पास से, यही थी। सर इसके पहले मार्च तक पूर्व जो विधायक हैं यहाँ के वर्तमान क्षेत्रीय विधायक विशाल जी पटेल, उनके भी कई सारे लोग थे जो उन्होंने मांग की थी और उन्होंने निकाला था यहाँ से, अपने वाहन निकाले थे। नहीं, तो वो किस तरह से निकले थे फिर? नहीं, उसका ये फास्टैग आने के बाद ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं रहा, बिना पास से निकले ऐसा सिस्टम ही नहीं है अभी तो। ये तो दिल्ली तक फीड जाता है, इसका जो फास्टैग सिस्टम जो आया है उसका फीडिंग जो है डायरेक्ट NHAI हेडक्वार्टर्स तक जाता है। ऐसा बिना पास बिना इसलिए छोड़ ही नहीं सकते किसी। ये तो जनवरी से जो फास्टैग सिस्टम है उसका चलते तो ये नहीं, थोड़ा सा दिक्कत तो है वो उसमें, बट क्षेत्रीय और ग्रामीण लोगों का कहना है सर, तो उसको तो हम इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। सर क्षेत्रीय और ग्रामीण लोगों का कहना है कि सबसे महंगा टोल है और आसपास के जो है वो इसके कारण बहुत परेशान है, तो उनको क्या सुविधा दी जाएगी? तो NHAI रेट तो ये सब NHAI ने ही डिसाइड कर रहा है, जस्ट चला रहा है। बाकी रेट वो सब किलोमीटर के हिसाब से हर जगह, यहाँ क्या थोड़ा सा 70 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बाकी जगह में 50 किलोमीटर होगा, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लगता होगा। ठीक है सर, आपका नाम और पद बता दीजिए। क्रांति कुमार रेड्डी, IVRCL से। जैसा कि जो व्यवसाय हमने और सर किसानों की जीत होगी या टोल कर्मचारियों की मनमानी चलती रहेगी? देखिए उत्तर करना के लिए ये है, हमने क्या स्थानीय लोगों की प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि स्थानीय एक ही गांव में एक स्थान से इस छोर से उस छोर जाना हो तो उसको टोलने लगे थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।